तुम्हें मालूम है आजकल अक्षय का मकसद क्या है? हाँ, शाहरुख खान को नंबर वन पोजीशन से रिप्लेस करना। मैं भी तो यही सोचता था। पहले तो मुझे लगता था कि वो जिस तरह से आजकल कतरीना को इवेंट्स पर गाइड करते हुए नजर आते हैं, लगता है उन्होंने उनका पीआर होने के साथ साथ उन्होंने उनके मेंटोर की जिम्मेदारी भी संभाल लिया है। तुम्हारा मतलब है कि प्रायोरिटीज बदल गए हैं और अब वो कतरीना के करियर में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने ठान लिया कि कतरीना विल बी बॉलीवुड्स नंबर वन एक्ट्रेस। उन्होंने कसम खाई है मेरी तरह। सलमान को अब कटरीना की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अक्षय कुमार ने ये काम अच्छी तरह संभाल लिया है। अक्षय न सिर्फ कटरीना के फेवरेट को स्टार बन गए हैं बल्कि मेंटोर भी। वो कटरीना को छोटी से छोटी चीज में मदद करते हैं, चाहे वो उनके डायलॉग्स की रिहर्सल्स हो या फिर फिल्मों की प्रमोशन। अक्षय हमेशा कटरीना के लिए पिलर की तरह मजबूत खड़े हैं और यही वजह है कि इन दोनों की जोड़ी किसी भी फिल्म को हिट करने का फॉर्मूला बन गई है। अभी सिंह इज किंग का ही एग्जांपल ले लीजिए। जब इस फिल्म की पेंटिंग्स लॉन्च की गई तो अक्षय की कटरीना पर पूरी नजर थी। कटरीना को किस तरह से फोटोज खिंचवानी चाहिए, कहाँ खड़े होना चाहिए, इस बात का अकी ने खास ख्याल रखा। कटरीना प्रमोशन में कहीं भी चूक ना जाए, इस वजह से वो हर वक्त उन्हें प्रॉम्प्ट करते रहते। किंग की पेंटिंग्स तो काफी निखर कर आई। कभी अक्षय एक पोर्ट्रेट में गुरुद्वारे के बाहर खड़े नजर आए तो कभी कटरीना पगड़ी पहने अक्षय को निहारती हुई नजर आई। ऐसे में खास तौर पे एक पेंटिंग कटरीना को बहुत पसंद आई। The one of Akshay looking in the mirror and me on the other side. Very, very nice. No, very beautiful. I think he's done a wonderful job. It's a tribute to the community. We want to show how brave this community is and we made the movie also on that and that is Singh is King, okay? कटरीना जिस तरह पेंटिंग्स को बारीकी से देख रही थी, इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें आर्ट में काफी दिलचस्पी है। तो ये जानकर भी आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कटरीना भी पेंटिंग करती है। उन्होंने भगत सिंह की एक पेंटिंग को भी पूरा किया है। कम से कम इस मामले में अक्षय ने नहीं बल्कि सलमान ने ही कटरीना को प्रेरित किया होगा। No, not really. Not really. Only once or twice. Just for fun, nothing really serious. कटरीना भले ही आप अपने आर्टिस्टिक साइड को सीरियसली ना ले, लेकिन ये जानकर कि आप अच्छी पेंटिंग करती हैं, शायद अक्षय आपके इस टैलेंट को पकड़कर दुनिया के सामने ले आए। आखिर वो आपके मेंटोर जो ठहरे। मेघना जोशी, जूम, मुंबई।